हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें, 90 सीटों में से तकरीबन 20 विधानसभाओं को कवर करके नाव नोएडा की टीम अब इस रास्ते पर निकली है जो कि जा रहा है कुरुक्षेत्र और अंबाला की तरफ। आकलन कर लेते हैं, साइड का जो मामला है वो पता कर लेते हैं, इनसाइड फैक्ट जो है वो पता कर लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी इस वक्त हरियाणा में समीकरण क्या बैठाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस, जेजेपी, बीजेपी, इनेलो और साथ में रावण की एंट्री, यानी इन 5-6 पार्टियों ने हरियाणा में जो कुछ चुनाव प्रचार किया वो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर इन द सेंस 10-12 या 15 घंटे के बाद थम जाएगा। लेकिन उस चुनाव प्रचार की प्रक्रिया क्या रही, कैसे वोटरों को साधा गया, समीकरण क्या बिठाया गया, थोड़ा विस्तार में आपको जानकारी दे देता हूँ। रावण, चंद्रशेखर रावण के नाम से मशहूर, हरियाणा में आए, बातचीत की दुष्यंत चौटाला से, मीटिंग की, मीटिंग में तय हुआ कि चलिए चुनाव लड़ लेते हैं। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, दुष्यंत चौटाला जब रावण के साथ में चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो साधने की कोशिश करते हैं छोटे लोगों को, छोटा इन द सेंस छोटी बिरादरी को, जो आती है एससी में उनको साधने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रावण लगातार ये दावा करते आ रहे हैं कि उनके साथ में छोटा तबका है, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें हरिजन भी हैं, उसमें जाटव भी हैं, उसमें गौतम भी हैं, ये तमाम लोग। अब जब ये समीकरण बिठाने की कोशिश की, दुष्यंत चौटाला ने सोचा पिछली बार 10 सीटें लेके आया था, इस बार रावण के साथ मिलकर और सीटों में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये समीकरण बैठने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी विधानसभाओं ने हमने रिपोर्टिंग की, हमारी टीम ने सर्वे किया, लोगों से बातचीत की, लोगों के इंटरव्यू किए, प्रत्याशियों से बातचीत की, ऐसा लगा कि सिरे से हरियाणा की जनता रावण और दुष्यंत के इस समीकरण बैठाने वाले पैचअप को नकार रही है। अब आते हैं दूसरे फैक्ट पर, दूसरा फैक्ट समझ लीजिए, कांग्रेस ने सीधे तौर पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन कई विधानसभा ऐसी रहीं जहां पर प्रत्याशियों को उतारने में उठापटक की गई। उठापटक क्यों की गई, क्योंकि पिछले प्रत्याशी जिनको पिछली बार मौका दिया, सीट निकालने में नाकामयाब रहे, वो प्रत्याशी जनता की पसंद नहीं बन सके। कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, मीटिंग बैठी हरियाणा की पूरी कोर कांग्रेस की मीटिंग बैठी, मीटिंग में तय किया गया कि चलिए कुछ नए चेहरों पर दाव अब फिर से खेला जाए और कुछ पुराने नए चेहरों को फिर से मैदान में लाया जाए। अब कांग्रेस की रणनीति तैयार थी, 90 सीटें थी, 3+ पॉइंट कांग्रेस की पार्टी लेके चल रही थी, किसान आंदोलन में साफ तौर पर बीजेपी की मुखालफत देखी गई हरियाणा के अंदर, वो अभी भी गांव में, कस्बों में, रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में देखी जा रही है। पहला पॉइंट स्ट्रांग होता है कांग्रेस का, मजबूती होती है। दूसरा पॉइंट, पहलवानों को घसीटना, दिल्ली के जंतर मंतर, दिल्ली के लाल किला, दिल्ली की सड़कों पर विनेश फोगाट जैसे पहलवानों को जब घसीटा जा रहा था तो बीजेपी के ऊपर एक सवालिया निशान लग रहा था। कांग्रेस कह रही थी हम तुम्हारे साथ हैं, पहलवान के साथ हैं, किसान के साथ हैं, अन्नदाता के साथ हैं, गरीब के साथ हैं। उस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के आला नेताओं के साथ बैठकर जब मीटिंग की तो पता लगा कि उन पहलवानों को अपने पाले में ले लिया गया। क्यों? क्योंकि विनेश फोगाट को टिकट दिया गया जुलाना से और विनेश फोगाट के समर्थन में बहुत सारे और पहलवान खड़े हो गए आगे। तीसरा और अहम पॉइंट, हरियाणा में जगह जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मुस्लिमों की आबादी भी मिलेगी। कुछ विधानसभाएं तो ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिमों का पूरा जनाधार है, मैं मेवात की बात कर रहा हूँ, नू की बात कर रहा हूँ, वहाँ की 3 सीटें पूरे तरीके से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, उनको साधने की कोशिश। बीजेपी के लिए मुस्लिमों की नाराज़गी कांग्रेस के लिए वरदान साबित हो रही है, बीजेपी वाले मुस्लिमों को अपने पक्ष में ला नहीं पा रहे, मुस्लिम बीजेपी के पास जा नहीं रहे, कांग्रेस ने उनको साधने की कोशिश की, एक बड़ा धड़ा हरियाणा में मुस्लिमों का कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। अब स्थिति यह है कि सीधे फाइट यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की चल रही है। अब आते हैं थोड़ा और आम आदमी पार्टी पे, अब आते हैं इनेलो पे। इनेलो की पहले सुन लीजिए,
अभय चौटाला जरूर मुस्लिमों के हमदर्द बने हुए नजर आते हैं यहाँ पे, अभय चौटाला जरूर जाटों की बात करते हैं, अभय चौटाला जरूर छत्तीस बिरादरियों की बात करते हैं, अभय चौटाला जरूर हरियाणा के विकास की बात करते हैं, लेकिन अभय चौटाला पर भी हरियाणा की जनता पूरे तरीके से विश्वास नहीं कर पा रही है। बड़ा फैक्टर निकल कर ये आया कि इस वक्त अगर कोई फाइट में नजर आ रहा है तो कांग्रेस और बीजेपी नेक टू नेक की फाइट नजर आ रही है। बहुत से रूरल इलाके में, ग्रामीण इलाके में जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहां पर हमें पता लगा कि छोटा तबका हमेशा से ये चाहता है कि तरक्की हो। एक और फैक्टर यहां पर निकलकर सामने आया, हमने सोनीपत में रिपोर्टिंग की तो हमें मामू भांजे की मज़ार मिली जो कि हरियाणा के अंदर हिंदू मुस्लिम मोहब्बत का प्रतीक माना जाती है। हम इससे पिछले एक और गांव में गए जहां पर मुस्लिमों की आबादी है, जहां पर मुस्लिम रहते हैं, पानीपत की हम बात कर रहे हैं। गांव अलग था, पानीपत शहर अलग था। पानीपत में भी दो सीटें हैं, पानीपत की ग्रामीण की सीट है, एक शहरी सीट है, वहाँ पर भी मुस्लिम हैं पानीपत की सीटों पर, वहाँ पर भी ये फैक्टर जो है कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नज़र आया। थोड़ा सा चुनाव प्रचार का वक्त बचा है, कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, बाकी तमाम पार्टियों के नेता पूरे इस वक्त जोर लगाए हुए हैं। अभी तक का हमारा आकलन ये कहता है कि नेक टू नेक की फाइट दोनों पार्टियों के बीच में नजर आ रही है। पलड़ा अगर आप देखेंगे 50 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, 500 ग्राम हो, 1 किलो हो, कांग्रेस का अभी तक भारी नजर आ रहा है। अब ये रोड आप देखेंगे जो अंबाला और कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा है, इसमें हम या तो हम पहले कुरुक्षेत्र जाएंगे या अंबाला जाएंगे, क्योंकि वक्त हमारे पास में कम है। हम सिर्फ अपने वक्त के हिसाब से ही यहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे, सर्वे करेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे। अगर हमारे पास वक्त मिला तो दोनों विधानसभाएं, दोनों जगह कवर करेंगे, लेकिन एक तो जरूर करेंगे, वहाँ का हम हाल आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति मैंने आपको समझा दिए, इनसाइड फैक्ट भी यही है, इनसाइड स्टोरी भी यही है, और बाकी तमाम हरियाणा का जो मूड है वो भी यही नज़र आ रहा है। लगातार आप नव नोएडा के साथ में जुड़े रहिए, आगे की जब पहुंचेंगे, आगे हमारा काफिला पहुंचेगा तब आगे की और सी बातचीत बताएंगे। और चुनाव प्रचार थमने के बाद में हम तीन लोग निकले थे नव नोएडा की टीम से, यूनुस आलम, संदीप ओझा और रफी हिंदुस्तानी, तीनों एक प्रोग्राम में आपको पूरे हरियाणा का आकलन करके हम आपको बताएंगे कि आखिर 5 तारीख में क्या होने वाला है, मोटा मोटा अनुमान लगाएंगे। रिजल्ट जब आएगा 8 तारीख को, तब आपको पूरा रिजल्ट आपके सामने लेके आएंगे। लगातार नव नोएडा के साथ में बने रहिए और हमारे प्रोग्राम्स को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करते रहिए। इस वक्त हाईवे से, यानी वो हाईवे जो कुरुक्षेत्र की तरफ जाता है, हरियाणा से नव नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तान।